नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में कुल डेढ़ सौ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो आगामी होने वाली एल्टी ग्रेड परीक्षा हो या फिर यू पी पी सी एस प्री दो हज़ार अट्ठारह जो उन्नीस अगस्त को प्रस्तावित है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसमें हमने पहले अठारह संतावन की क्रांति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया हुआ है आइए पहले उसको देखते हैं तो इसका पहला प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफ़ल को शामिल किया गया तो दो दिसंबर अठारह सौ छप्पन ईस्वी में इसको एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया है दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि भारत के स्वतः प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य तात्कालिक कारण अर्थात ता अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप जो भारतीय भारतीय लोग थे उनके धार्मिक क्रियाकलाप क्रिया में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था तो ये उसका तात्कालिक कारण निर्धारित हुआ था अठारह की क्रांति का अगला प्रश्न दोस्तों की मंगल पांडे की घटना कहाँ घटित हुई थी तो मंगल पांडे की जो घटना घटित हुई थी वो बैरकपुर में घटित हुई थी बैरकपुर कहाँ है दोस्तों तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है अगला प्रश्न है दोस्तों कि मंगल पांडे सिपाही थे तो मंगल पांडे जो है चौतीसवीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है अगला प्रश्न है दोस्तों कि अट्ठारह के विद्रोह के दौरान जो है बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर साहब ए आलम बहादुर की उपाधि की खिताब किसे दिया था बहादुर शाह ने दिया था किसे दिया था बख्त खां जो दिल्ली में इनके साथ थे तो बख्त खां को इन्होंने साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दिया था अगला प्रश्न है दोस्तों कि अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का प्रमुख कारण था तो अठारह सौ संतावन की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ थी जो विरोधी नीतियाँ थी भारतीयों के प्रति इसका प्रमुख कारण था अठारह सौ अगला प्रश्न है दोस्तों अठारह सौ संतावन क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी अगला प्रश्न है 1857 संतावन के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले लाल किले पर पहुंचना दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है संतावन की क्रांति की पहली घटना थी अगला प्रश्न है दोस्तों अठारह संतावन के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, था संतावन संग्राम का जो प्रतीक था वह कमल व रोटी था अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम के झांसी मेरठ दिल्ली और कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज़ों ने पुनः अधिकृत किया तो दिल्ली को इन्होंने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली पर उन्होंने पहले अधिकार जमाया था सबसे पहले इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि अट्ठारह के, के स्वाधीनता संघर्ष की वीरंगना लक्ष महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी तो जन्मस्थली जो है इनकी वाराणसी है अगला प्रश्न दोस्तों कि अठारह के बरेली विद्रोह का नेतृत्व तो कौन किया था तो खान बहादुर खान ने बरेली विद्रोह का नेतृत्व तो किया था अगला प्रश्न दोस्तों कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थित है वो ग्वालियर में स्थित है ग्वालियर कहाँ पर है एम में है अगला प्रश्न दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना सामना जो है कैप्टन हीरोज कैप्टन हीरोज वहाँ पर था और कैप्टन हीरोज से लड़ते लड़ते वो दिवंगत हो गई थी अगला प्रश्न है दोस्तों कि अठारह सत्तावन विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वो बेगम आफ अवध बेगम आफ अवध कौन थी बेगम हजरत महल तो इन्होंने वहाँ पर नेतृत्व संभाला था लखनऊ से वह महिला जिन्होंने अठारह सौ अवध में अठारह सन्तावन क्रांति का नेतृत्व तो बेगम हजरत महल ने अठारह सौ संतावन क्रांति को नेतृत्व किया था इलाहाबाद में अठारह सौ सत्तावन के संग्राम के नेता कौन थे दोस्तों तो ये मौलवी लियाकत अली खां कि अट्ठारह सन्तावन की जो क्रांति हुई थी कई जगहों पर होती खासकर उत्तर प्रदेश के भाग में उत्तर प्रदेश बिहार एरिया में और दिल्ली में तो दोस्तों वहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नेताओं ने नेतृत्व तो संभाला था अठारह सौ सत्तावन क्रांति का तो वो जगह जगह के नाम जो है जिन्होंने नेतृत्व संभाला था उनको जानना जरूरी है तो इलाहाबाद में मौलवी मौल लियाकत तो अली खान ने संभाला था नेतृत्व अगला प्रश्न दोस्तों अठारह सौ के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी तो अवश्य सर्वाधिक सिपाही इसमें भाग लिए थे क्रांति में नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था दोस्तों तात्या टोपे तात्या टोपे जो है नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग है दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों कि अजीमुल्ला खां के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां के जो सलाहकार थे वो नाना साहब जी थे अगला प्रश्न दोस्तों कि अठारह सौ के विद्रोह में नाना साहब कुंवर सिंह खान बहादुर खां तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तो तात्या टोपे के मित्र इन्होंने धोखा दिया था जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया अठारह सौ संतावन के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे ऊपर हमने बात कर ली है इसकी अगला प्रश्न दोस्तों कि कुंवर सिंह कुंवर सिंह जो है अट्ठारह के विद्रोह के प्रमुख नायक थे वो संबंध कहाँ से संबंधित थे वो बिहार से संबंधित है खासकर जगदीशपुर एरिया से अगला प्रश्न दोस्तों पटना के अठारह सौ संतावन संत, स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह वही बिहार बिहार में पूरा नेतृत्व जो है इन्होंने ही संभाला था अगला प्रश्न दोस्तों कि असम में अठारह सौ संतावन के क्रांति के नेता कौन थे तो दीवान मणि दत्त जो है असम में अठारह सौ क्रांति के नेता थे अगला प्रश्न है दोस्तों कि अठारह सौ संतावन के विद्रोह में बेगम हजरत महल कुंवर सिंह उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था किसका अठारह सौ संतावन क्रांति से संबंध नहीं था तो दोस्तों उधम सिंह का जो है इस क्रांति से संबंध नहीं था उधम सिंह कौन थे उधम सिंह जो है जलियावाला बाग हत्याकांड जो मेजर जनरल डायर के द्वारा मुख्य आरोपी ठहराया गया था उसकी हत्या 1940 सौ ईस्वी में लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी किसने ऊधम सिंह ने तो ऊधम सिंह का संबंध वहाँ से है अगला प्रश्न है दोस्तों कि अठारह सौ के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की क्रांति के समय सर्वाधिक सहायता प्रदान की थी और कौन कौन से वर्ग भाग लिए थे इसमें जैसे भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने अठारह के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी न इन्होंने न भाग लिया न ही विरोध किया इसका तो इन्होंने तटस्थता बनाए रखी अगला प्रश्न दोस्तों खेतीहर मजदूर साहूकार कृषक जमींदार वर्गों में अठारह सौ के विद्रोह में भाग नहीं लिया किसने भाग नहीं लिया था तो इसमें साहूकारों ने और जमींदारों ने यानी साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था कौन कौन भाग लिए थे खेतीहर मजदूर ज़्यादातर शामिल थे और कृषक शामिल थे शिक्षित मध्य वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था तो साहुकार और जमींदार को याद रखिए इसके बाद है दोस्तों कि झांसी चित्तौड़ जगदीशपुर लखनऊ में सुबह क्षेत्र जो अठारह के विद्रोह से प्रभावित नहीं था स्वाभाविक से बात है कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई झांसी में नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई जी ने की थी जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने की थी लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था चित्तौड़ जो है इसमें शामिल नहीं था अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार के दानापुर पटना आरा मुजफ्फरपुर मुंगेल में अठारह सौ संतावन के विद्रोह से अप्रभावित था तो दानापुर प्रभावित हुआ था पटना प्रभावित हुआ था आरा प्रभावित हुआ था मुजफ्फरपुर ये चारों प्रभावित हुए तो परंतु मुगेर जो है प्रभावित नहीं हुआ था अगला प्रश्न है दोस्तों ये सही सुमेलित करना है इसमें कौन कहाँ से संबंधित था किस स्थान थे वक्त खां जो है दिल्ली से संबंधित बहादुर शाह जफर के साथ ये शामिल था अठारह सौ सत्तावन क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला जो है अवध से संबंधित थे कुंवर सिंह जो है आरा से संबंधित थे यानी पटना और यानी कि बिहार और नाना साहब जी जो है कानपुर इनके साथ तात्या टोपे भी थे अगला भी सही सुमेलित करना है दोस्तों तो इसमें झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ से बेगम हजरत महल कानपुर में अजीमुल्ला खां और फैजाबाद में मौलवी मौलवी अहमद शाह जो है इन्होंने नेतृत्व को संभाला था अगला प्रश्न है दोस्तों कुंवर सिंह अठारह सौ संतावन के विद्रोह के प्रमुख नायक थे वह संबंध थे बिहार से संबंधित थे पढ़े हम लोग पटना में अठारह सौ के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह असम में दीवान मनी दत्त अठारह के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई अठारह से 20 जनवरी अठारह तक केंद्र था कौन केंद्र था जगदीशपुर जो है केंद्र बनाया गया था अठारह के विद्रोह का तो जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने अठारह के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था जगदीशपुर के राजा थे बाबू कुंवर सिंह थे अगला प्रश्न है दोस्तों कि अठारह के क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला था आउवा का ठाकुर कुशल सिंह ने पराजित किया था अगला प्रश्न है दोस्तों कि अजमेर जयपुर नीमच आउवा में राजस्थान में अठारह सौ क्रांति में केंद्र नहीं था जयपुर केंद्र नहीं था बाकी सब केंद्रित थे अगला प्रश्न है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल शहादत खान माखनलाल चतुर्वेदी अठारह सौ सत्तावन में अंग्रेजों से संघर्ष किया शहादत खान ने संघर्ष किया था अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौलवी अहमदुल्ला शाह मौलवी इंदादुल्ला मौलाना फजलेल हक खैराबादी नवाब लियाकत अठारह सौ विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन थे अगला प्रश्न है दोस्तों अठारह सौ के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कभी कौन थे मिर्ज़ा गालिब सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा था अगला प्रश्न दोस्तों कि आज़ादी की पहली लड़ाई अठारह सौ भाग नहीं लिया भगत सिंह भगत सिंह उस समय नहीं थे तो इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया था अठारह के विद्रोह में एक षडयंत्र की संज्ञा जेम्स आउट्रम डब्लू टेलर ने दी थी इसे एक षडयंत्र की संज्ञा किसने दी थी जेम्स आउट्रम और डब्लू टेलर ने दी थी अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह आधुनिक इतिहास का जितने अठारह के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था तो बी डी सावरकर ने इसे आधुनिक स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार बहुत इंपॉर्टेंट है एस एन सेन को बनाया गया था सरकारी इतिहासकार अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय भाषा में अठारह सौ के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां जो है इसके कि अठारह क्रांति क्यों भड़की इसके मुख्य कारण क्या थे तो उस पर लिखने वाला प्रथम भारतीय जो था सर सैयद अहमद खां थे जो कांग्रेस के कट्टर दुश्मन थे आगे चलकर अगला प्रश्न है दोस्तों तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था यह कथन किससे संबंधित है यह आर सी मजूमदार ने कहा था चरण मजुमदार ने कहा था कि यह न तो प्रथम है न राष्ट्रीय है न ही स्वतंत्रता संग्राम था अगला प्रश्न दोस्तों अठारह क्रांति भारत में सही अवधारणा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत पाए बना दिया अगला प्रश्न है दोस्तों कि अठारह महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी तो एक नवंबर उन्नीस सौ ईस्वी को इन्होंने आ, एक घोषणा पत्र जारी की महारानी विक्टोरिया ने ये घोषणा पत्र कहाँ जारी किए गए थे दोस्तों तो ये इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है वहीं पर इसको जारी की गई थी सॉरी मिंटो पार्क में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में से जारी की गई थी अगला प्रश्न है दोस्तों कि सम साम्राज्ञी विक्टोरिया ने अठारह सौ की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया रियासतों को हड़पने वाली नीति समझ जो लॉर्ड अलौजी ने अठारह सौ चौवन में रियासतों को हड़पने की नीति लेकर आई थी उसे जो है समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा अठारह संतावन के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह संथाल विद्रोह नील उपद्रव पामना विद्रोह में से विप्लव हुआ था नील उपद्रव हुआ था दोस्तों ठीक बात संतावन की क्रांति के ठीक बात अगला प्रश्न है दोस्तों के नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं दीन बंधु मित्र मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत लिखा था चंद्र चटर्जी ने अगला प्रश्न है आनंद मठ आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है अगला प्रश्न है दोस्तों जिसका लोक, ने अपने पन्यास किया, तो यह सन्यासी विद्रोह को जो है अपने उपन्यास आनंद मंथ में इसका उल्लेख किया हुआ है अगला प्रश्न है दोस्तों मुगेर के ताल विरोध का उद्देश्य था इसका उद्देश्य था बाश्त भूमि की वापसी की मांग अगला प्रश्न दोस्तों उन्नीसवी शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था पटना था बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना था अगला प्रश्न है दोस्तों कि कूका आंदोलन को संगठित किया था कुका आंदोलन को जो है गुरु राम सिंह ने संगठित किया था अगला प्रश्न है पागल पंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का पागल पंथ की स्थापना की थी करम शाह ने की थी फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ फराजी विद्रोह का नेता था फराजी कौन थे हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी को फराजी कहा गया था वेल अगला प्रश्न दोस्तों वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में किया गया था वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अगला प्रश्न दोस्तों की गुलन विद्रोह जुड़ा था तो उलगुलन विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था मुंडा विद्रोह का नेता कौन था बिरसा मुंडा था नाम से ही क्लियर है जिस आदिवासी पिता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह बिरसा बिरसा मुंडा अपने आप को ईश्वर कहा करता था बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था दोस्तों तो जो अविभाजित बिहार क्षेत्र था रांची जिसमें झारखंड है वहाँ उसका मुख्य क्षेत्र था जनजाति लोगों में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो ठक्कर बाबा ने किया था अगला प्रश्न दोस्तों भारत में उन्नीस शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया कराए तो जनजाति समुदायों के प्राचीन भूमि से संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण अगला प्रश्न दोस्तों कि हौज विद्रोह हुआ कब हुआ था अठारह सौ बीस इक्कीस के दौरान यह हुआ था खैरवास आदिवासी आंदोलन हुआ था अठारह सौ चौहत्तर ईस्वी में हुआ था संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोही विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई था नील विद्रोह संथाल विद्रोह दक्कन के दंगे सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम अगर लगाने को आ जाए तो इसमें सबसे पहले संथाल विद्रोह घटित हुआ था इसके बाद दोस्तों सिपाही विद्रोह इसके बाद नील विद्रोह फिर इसके बाद दंगे के दक्कन के दंगे हुए थे सुमेलित करना है दोस्तों कि मोपला विद्रोह कहाँ घटित हुआ था उन्नीस तो में यह केरल में घटित हुआ था पापना विद्रोह बंगाल में घटित हुआ था एका आंदोलन अवध में घटित हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार अब आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास के बारे में अगर देखते हैं तो इसमें पहला प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था तो कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित की गई थी एसियाटी सोसाइटी बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे अगला प्रश्न दोस्तों वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी जोनाथन डंक ने अठारह सौ में की थी अगला प्रश्न है दोस्तों दादा भाई नेहरू जी माइकल मधुसूदन दत्त राजा राम मोहन राय विवेकानंद में से जिन्हें पेरिस की पेरिस की रॉयल एसियाटिक सोसाइटी की सदस्य प्रदान की गई थी तो माइकल मधुसूदन दत्त को जो है रॉयल एसियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों का भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने किया था चार्ल्स विल्किंसन ने किया था उसी तरह कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था सर विलियम जोन्स ने किया था अगला प्रश्न दोस्तों की स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों को नियुक्त करने के लिए इन्होंने आधुनिक शिक्षा का प्रसार प्रसार किया था तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद